वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। एंड अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं मोदी जी के साथ। सो रिसेंटली वो और SU12 मेंबर्स, साथ ही साथ SK रोसी और मित पैट हमें यहाँ पर एक साथ देखने को मिले मोदी जी के साथ, वो भी एक ही सिंगल फ्रेम में। एंड यहाँ पर ये सभी क्रिएटर्स मोदी जी से बात करते हुए नजर आए रिगार्डिंग ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग ग्रोथ, जिसके रिगार्डिंग इन क्रिएटर्स ने रील भी अपलोड करी। एंड यहाँ पर एक मिसेस मॉडल की तरफ से भी आप देख सकते हो, ज्वाइन मी इन एम्ब्रेसिंग एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट, हैड अ रिमार्केबल कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डेल्विंग इन टू द फ्यूचर ऑफ द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, His visionary outlook is poised to revolutionize gaming in India. Stay tuned for an exclusive video capturing this game-changing discussion. Get ready to be amazed and feel proud. And my Goldie bhai bhi ye bolte hai, massive W for entire gaming. Thug proud of you and the entire team. 8-bit creatives pulling this off like a charm. And well, yahi wo announcement hai jiski Goldie bhai kafi time se baat karte hue nazar aa rahe the. And Sardar ji YT bhi yahan par react karte hue bolte hain, rishtedaron ko block kar rakha hai Insta se, warna aaj bahut jaldi unki jo poochte rehte ki ye game khelne se kya hoga. Wahi Revenant Esports bhi react karte hue ye bolti hai, we are filled with pride. Our wonder boy SK Rossi represented Revenant Esports with prestige as he sat down with the honorable Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इन इंडिया। वहीं सिक्सेस भी ये बोलते हैं, गोल्डी भाई एक ही तो सिस्टम है, कितनी बार हैंग करोगे, प्राउड ऑफ एंटायर टीम। एंड गेमर फ्लीट भी यहाँ पर बताते हैं, गॉट अ चांस टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्कस एवरीथिंग गेमिंग, वीडियो आउट सून, वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, स्टिल कांट बिलीव इट। एंड मैक्सटन भी रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, Gamers meeting the Prime Minister, we have surely came a long way now. And ना सिर्फ इतना बल्कि मोदी जी हमें यहाँ पर BGMI खेलते हुए भी नजर आए, and on screen image भी आप देख पा रहे होगे। Well, 2024 में ये हो रहा है कि मोदी जी खुद BGMI खेल रहे हैं, इससे बढ़िया बात यार और क्या ही होगी। एंड काफी जने तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यार मोदी जी के BGMI में वॉइस पैक आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऑल दो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, बट हाँ कमेंट्स पढ़ने में मजा जरूर आता है। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिड के बारे में। सो रिसेंटली सिड बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि उन्होंने 2x सैलरी वाले ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया। एंड यहां पर उनकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। देयर वाज नो बिडिंग वॉर, मैंने अपना सैलरी नेगोशिएट नहीं किया था। मेरे को जो लास्ट सैलरी जो TSM में मिलता था वो एग्जैक्ट सेम सैलरी पे मैंने सोल ज्वाइन किया था। देखो तभी तो मैं CC वगैरह का मेरे को इतना था नहीं, तो सैलरी वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट आई डिड नॉट से आई कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर। आई वाज ऑफर्ड मोर बाय, आई विल टेल यू राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, आई वाज ऑफर्ड मोर, क्योंकि तभी मैं सोल से बात नहीं कर रहा था। आई वाज ऑफर्ड मोर मनी बाय OG एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 2x ऑफ वॉट आई वॉज मेकिंग एट TSM। बट मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मेरे को जाऊंगा तो बहन जो सोल ही जाऊंगा मैं, क्योंकि तो वो टाइम पे एक सिचुएशन हो गई थी जो मैंने कभी किसी को बताई नहीं है। मैंने डिसाइड किया था कि जाऊंगा तो बहन जो सोल ही जाऊंगा। हमारा कॉन्वर्जेशन भी ऐसे ही हुआ था, थक भाई ने पूछा कितनी सैलरी तुमको मिलती है TSM में, मैंने बोला इतनी मेरे को सैलरी मिलती है, थक भाई ने बोला डन। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को अरे इतनी मिलती थी अब मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है तो मेरी सैलरी 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, मेरे को कोई वो अपना बड़ा ये नहीं था। मैंने डिसाइड कर लेती है मेरे को काम ही इधर करना है, क्योंकि मैं भले 70,000 अभी कमा रहा हूँ, 80,000 अभी कमा रहा हूँ, बट मेरे को मालूम था कि मेरा इस चीज से फायदा होने वाला है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी यार फर्स्ट न्यूज के रिगार्डिंग मेरे को ये कहना है कि FC12 इज डूइंग अ वंडरस जॉब। सो कमेंट सेक्शन में यार रॉकेट को यार एकदम उड़ाते जाना स्पेस में। ये जो कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है ये गेमिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर इनसेन अरीना बात करते हुए नजर आ जाते हैं सेंसे के कॉन्फिडेंस के बारे में इस BGS 2024 के अंदर। पंक का जो एडिशन हुआ है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, नीडफुल था, एंड फाइनली पंक भी आ चुका है टीम में, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है। प्लस अभी वो परफॉर्मेंस ना दिख भी रही है राइट नाउ, अगर आप थर्ड पार्टीज की बात करें तो थर्ड पार्टीज में भी वो परफॉर्मेंस दिख रही है स्लोली स्लोली। आई नो इट्स अ स्टीप फॉल, धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे करके ऊपर बिल्ड करेंगे, एंड आई एम प्रिटी श्योर BGS 2024 की ट्रॉफी उठा सकते हैं। तो अभी तक कोई भी नहीं दिखी है गाइस, लेकिन देखो पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। पब्लिक कोई भी नई टीम देखती है, उनको मारते हुए देखती है, तो कभी कभार ना वो सवाल जवाब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफिशियल्स की तरफ से कि अभी जितनी भी टीम्स है ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज सारी टीम्स को अपने POV देना जरूरी है। Tier 1 टीम जो एक्सट्रीम टॉप टीयर टीम है, चाहे आप IQSOL की बात कर लो, उनको तक अपना POV देना पड़ा है। आई हैड अ वर्ड विद देम। देखो यार जब नई टीम एक अंडरग्राउंड टीम आके मारती है तो ये तो एक बहुत ज्यादा जेनरिक सा चीज हो गया है कि यार हाँ यार ये टीम गड़बड़ कर रही है, बट सारी की सारी चीजें ग्राफ्टन के पास है। हाँ सबको लगता है फिर, लेकिन यार अल्टीमेट अथॉरिटी तो देखो ग्राफ्टन है गाइस, और ग्राफ्टन को पता है कि भाई कैसे कैसे ये चीजों को प्रिवेंट किया जाता है, सो ट्रस्ट क्राफ्टन। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर मेजी रिसेंटली एक स्टोरी अपलोड करते हैं, बंदे स्पॉट करने का बेस्ट तरीका, स्किल्स नहीं, लैग हो रहा है, बंदे आ रहे हैं,
एंड यार ये चीज आप लोगों ने काफी ज्यादा रिलेट करी होगी, और खासकर ये जो नया इवेंट आया ये अलादीन वाला, तब से तो यार लिटरली बार बार गेम क्रैश हो रहा है। बाकी खैर इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड यार ये जो कोलैबोरेशन देखने को मिला है ना, सच्ची मेरे को दिल से बहुत खुशी हुई है। एंड इस टाइम के यार हम भी मिल करके, चाहे आप गॉड लाइक के फैन हो, चाहे आप एसयूडीएल के फैन हो, चाहे आप जी के फैन हो, चाहे आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के फैन हो, आई थिंक यार इट्स टाइम कि हम सब मिल करके ई स्पोर्ट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए यार विदाउट गिविंग एनी लाइमलाइट टू हिट, लेट ग्रो दिस कम्युनिटी टुगेदर। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी चाहता हूं तो आपसे वीडियो में साइनिंग ऑफ।